गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो ये वाला फोटो, तो इस फोटो का मैं पहले से ही यहाँ पर रिटचिंग करके रखा हूँ। एंड फेस यहाँ पर देख सकते हो, फेस जो है यहाँ पर स्मूथ कर लिया हूँ मैं पहले से ही, नहीं तो यहाँ पर बहुत टाइम लग जाएगा करने में आप लोगों को अगर दिखाने जाऊँ ये सब। तो ये सब वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया हूँ कि ये सब चीज़ आप लोग किस तरीके से कर सकते हो, मतलब फेस स्मूथ या बैकग्राउंड कलर बोलो ये सब किस तरीके से कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दिया हूँ। तो आप लोग अगर कुछ इस तरीके से फेस स्मूथ एंड बैकग्राउंड कलर करना चाहते हो तो जाकर एक बार देख सकते हो वो वाला वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली आप लोगों को यहाँ पर हेयर एंड बियर्ड करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपली स्टॉल पर क्लिक करना है आप लोगों को यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो। तो उस स्टॉल पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो गाइस। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करने पर देख सकते हो, यहाँ पर नीचे आ जाने के बाद कुछ इस तरीके से नीचे आने के बाद यहाँ पर स्मज वाला ब्रश मिलता है, यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है स्मज। तो आप लोगों को ये वाला ब्रश सिलेक्ट कर लेना है एंड इसका सेटिंग पर जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो सेटिंग का ऑप्शन, सेटिंग पर क्लिक करना है एंड कुछ इस तरीके से सेटिंग कर लेना होगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मैं फ्लो को यहाँ पर कुछ इतना रखता हूँ, ठीक है, और जो नीचे का ऑप्शन है कुछ इतना रखता हूँ एंड साइज अपने मुताबिक से रख सकते हो। एंड कुछ इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल ही हेयर्स नहीं है, यहाँ पर छोटा छोटा हेयर्स है यहाँ पर जो फोटो है इस फोटो में। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जूम कर लूँगा मैं फ़ोटो को एंड जूम करने के बाद कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ हेयर को ले जाऊँगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर जल्दी से कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैं यहाँ पर तो हेयर्स बड़ा कर लिया हूँ, लेकिन यहाँ पर जो हेयर्स यहाँ पर है वो वाइट वाइट लग रहा है देखने में, मतलब उतना खास शाइनिंग नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना पड़ेगा, स्टॉल पर जाना होगा और यहाँ पर लाइब्रेरी में आ जाना है एंड यहाँ पर आप लोगों को इस बटन पर यहाँ पर ऊपर ये जैसे सबसे टॉप है, तो आप लोगों को टॉप से यहाँ पर कुछ यहाँ पर आना है आप लोगों को, ठीक है, इस ऑप्शन में। तो यहाँ पर मैं सिंपली ये वाला ब्रश सिलेक्ट कर लूँगा गाइस, ठीक है, और ये वाला सिलेक्ट करने के बाद इसका सेटिंग यहाँ पर देख लो मैं क्या करके रखा हूँ। तो आप लोगों को कर लेना है एंड साइज अपने मुताबिक से रख सकते हो, मैं पहले बता दिया हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक डाल दूंगा ताकि हेयर्स ओरिजिनल की तरह लगे, ठीक है, फेक नहीं लगना चाहिए, सभी लोगों को पता चल जाएगा कि ये फेक हेयर्स है। लेकिन यार अच्छे से करो यार, लोगों का नाम मतलब लोग कहे कि हाँ ये सही है, मतलब सही हेयर्स है, मतलब लोग देखे यार बोले कि हाँ सही रेड किए हो हेयर्स को एकदम, मतलब लोग हंसना नहीं चाहिए पिक्चर के ऊपर, मतलब पिक दिख के लोग हंसेगा तो मतलब सोचो यार कैसा लगता है। तो आप लोगों को ऐसा मतलब ऐसा कम नहीं करना है कि लोग हंसे, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से अच्छी तरीके से करना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से कर लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो ये भी मैं कर लिया हूँ, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों को कुछ इस तरीके से कर लेने के बाद फिर से मैं जाऊँगा स्टॉल पर, ठीक है, और फिर से लाइब्रेरी में आ जाऊँगा और मैं नीचे जाऊँगा और इस वाले ब्रश को मैं फिर से सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है ना गाइस। और साइज आपने मुझे रख लेना होगा, मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो जैसे कि ऊपर वाला किया हूँ ऊपर हिस्सा, तो नीचे हिस्से को मैं कुछ इस तरीके से ही कर लूँगा सिंपली, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पर मैं जल्दी से कर लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो सेम यहाँ पर नीचे भी कर लिया हूँ एंड सेम आप लोगों को फिर से स्टॉल पर जाना है, लाइब्रेरी में आना है और उस स्टॉल को फिर से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और ब्लैक शाइनिंग डालना है आप लोगों को हेयर्स के ऊपर। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ब्लैक शाइनिंग डाल लिया हूँ। अब फिर से आप लोगों को स्टॉल पर आना है, ठीक है, और नीचे आना है फिर से स्मार्ट टूल पर और मैं अब ये वाला ब्रश सिलेक्ट करूँगा, ठीक है ना गाइस। और सेटिंग में आऊँगा, सिंपली इसका सेटिंग ठीक कर लूँगा छोटा बड़ा करके और अब मैं कुछ इस तरीके से इसको अप्लाई करूँगा जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी देख सकते हो गाइस। तो आप लोगों को भी कुछ इस तरीके से करना होगा। अब तो मैं यहाँ पर जल्दी से कर लेता हूँ। और कुछ इस तरीके से अप्लाई कर दूंगा।
तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो इधर उधर हो रहा है मेरा थोड़ा, तो मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसी वजह से इधर उधर हो रहा है, तो आप लोगों को टाइम देकर अच्छे से करना है, ठीक है ना गैस। तो मैं तो यहाँ पर जल्दी से कर रहा हूँ बस आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोग किस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ इतना कर लेने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग इसके बाद क्या मतलब किस तरीके से कर सकते हो, मतलब ये सब वगैरह कैसे फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो इतना हो गया है। अब इतना हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर जो साइज़ वगैरह फिक्स कर लेना है इस टोल का, यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ स्मार्ट टोल का, इस टोल का साइज़ वगैरह फिक्स कर लेना है एंड आप लोगों को सिंपली यहाँ पर कट लगाना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो एक कट लगा दिया हूँ एंड दूसरा कट आप लोगों को यहाँ पर लगाना होगा, और तीसरा कट यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से लगा देने के बाद यहाँ पर तो गाइस सिंपली यहाँ पर हेयर्स तो बन गया है लेकिन थोड़ा फेकू लग रहा है, लेकिन आप लोगों को अच्छे तरीके से करना है। तो मैं जो थंबनेल में लगाया हूँ वो देख सकते हो कितना परफेक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर तो मैं जल्दी से कर रहा हूँ इसी वजह से थोड़ा इधर उधर हो रहा है। तो कमेंट्स में गाली मत देना, बहुत लोग तो गाली देते हैं भाई कि कैसे कर रहा है भाई, ये तो ओरिजिनल नहीं, ये थंबनेल वाला अलग है, ये वाला अलग है। लेकिन गाइस थोड़ा समझा करो यार, आप लोगों को मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ बस इसी वजह से थोड़ा इधर उधर हो रहा है। तो गाइस आप लोगों को अब बियर्ड बनाने के लिए सिंपली ये यहाँ पर आना है और लाइब्रेरी में देख सकते हो गाइस यहाँ पर। तो गाइस ये वाला टूल्स अब आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है गाइस। और इसका सेटिंग यहाँ पर देख सकते हो मैं क्या करके रखा हूँ, तो आप लोग साइज अपने मुताबिक से रख सकते हो। और फ्लो जो है इसको आप लोगों को 32 या आप लोगों को मर्जी से रख सकते हो, आप लोगों को जो अच्छा लगेगा, मतलब आप लोगों को जो फिट होगा वो रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो देख सकते हो सभी कुछ सेटिंग आप लोगों को कर लेना होगा और उसके बाद हल्का हल्का करके आप लोगों को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैं कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी कुछ इस तरीके से करना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो बहुत ही ब्लैक हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर कलर ऑप्शन में आना है और यहाँ पर कलर देख सकते हो गाइस, तो इसको हल्का सा मतलब शेडो कलर ले लेना है कुछ इतना देख सकते हो। तो एकदम ब्लैक रखोगी तो अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोगों को भी देख लिया हो। तो अब मैं बनाऊँगा, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पर गाइस जो बियर्ड है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब आप लोगों को सिंपली थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर लेना है, तो सिंपली इसको नीचे आना है और इस वाले टूल्स को ले लेना है, सेटिंग्स पे जाना है, फिलो को कम करना है और स्ट्रेंच को भी कम कर देना है और साइज अपने मुताबिक से रखना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लूँगा ताकि यहाँ पर जो है ओरिजिनल की तरह लगे थोड़ा सा, तो कुछ इस तरीके से कर लेना होगा गाइस। तो गाइस बस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो ये बन गया है। तो यहाँ पर जूम आउट करके यहाँ पर अपलोड दिखाता हूँ, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो अब कैसा लग रहा है। तो अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोग ही बताओ कि कैसा लग रहा है, मतलब इतने टाइम में से मैं इतना अच्छे तरीके से कर लिया हूँ। तो आप लोग सोचो अगर थोड़ा टाइम दोगे तो कितना अच्छा बनेगा ये पिक्चर, तो आप लोग टाइम देकर बनाना, डेफिनेटली अच्छा बनेगा। सो गाइस फाइनली पिक्चर बन गया है। तो सिंपली यहाँ पर मैं 3 डॉट में जाऊँगा और यहाँ पर शेयर के ऑप्शन में क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दूँगा इस पिक्चर को, मतलब सेव कर लूँगा। तो
तो गाइस वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोग यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो गाइस, फोटो बहुत ही अच्छा आया है, मतलब बहुत ही अच्छा आया है। तो आप लोग यहाँ पर, मैं पहले सेव कर लेता हूँ फ़ोटो को, तो यहाँ पर सेव कर देता हूँ और सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। तो आप लोग जितना टाइम देकर करोगे उतना ही अच्छा बनेगा। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग थोड़ा टाइम निकल के करो यार, इससे भी अच्छा बेटर दिखने वाला है आप लोगों का पिक्चर। तो गाइस वीडियो पसंद आता तो लाइक कर देना और अपने फैमिली लोगों के साथ भी शेयर कर देना थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।